टीवी सीरियल खिचड़ी से दर्शकों के बीच हंसा भाभी के नाम से जाने जाने वाले बॉलीवुड की संजीदा एक्ट्रेस सुप्रिया पाठक बॉलीवुड की ऐसी अदाकारा में गिनी जाती हैं जिनकी एक्टिंग की लोग मिसालें देते हैं। चुनिंदा फिल्में करने वाले सुप्रिया पाठक का टीवी सीरियल खिचड़ी आज भी दर्शकों की पहली पसंद है। सुप्रिया ने साल 1981 में फिल्म कलयुग से अपने करियर की शुरुआत की थी। सुप्रिया को बॉलीवुड में 40 साल हो चुके हैं। बॉलीवुड में आने से पहले सुप्रिया एक थिएटर आर्टिस्ट थी, साथ ही एक बेहतरीन भरतनाट्यम डांसर भी। सुप्रिया ने 22 साल की उम्र में ही अपनी मां दीना पाठक की दोस्त के बेटे से शादी की थी, लेकिन ये शादी एक साल में ही टूट गई। इसके बाद 1986 में सुप्रिया की मुलाकात पंकज कपूर से हुई। उस वक्त पंकज कपूर का उनकी पहली पत्नी नीलिमा अजीम से तलाक हो चुका था। सुप्रिया और पंकज फिल्मी दुनिया की सबसे लोकप्रिय जोड़ियों में से एक हैं। जब दोनों की मुलाकात हुई तो दोनों ही उस वक्त मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे। 1986 से कुछ वक्त पहले की बात है, जब सुप्रिया अपनी PhD पूरी करके मुंबई से अहमदाबाद शिफ्ट हुई थी। वहाँ उनकी मुलाकात अपनी माँ दीना पाठक के एक दोस्त के बेटे से हुई। दोनों में इश्क हो गया और उन्होंने शादी कर ली। उस वक्त सुप्रिया की उम्र महज 22 साल थी। शादी के एक हफ्ते बाद ही सुप्रिया की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। एक हफ्ते में ही सुप्रिया और उनके पति को यह एहसास हो गया कि उन दोनों ने शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। कम उम्र की सुप्रिया जैसे तैसे एक साल काट पाई, लेकिन उसके बाद उनके पति और उन्होंने एक दूसरे से बिना किसी झगड़े लड़ाई के तलाक ले लिया। सुप्रिया मुंबई वापस आ गई। 1986 में 24 साल की सुप्रिया भटिंडा में एक फिल्म के सेट पर पहली बार पंकज कपूर से मिली थी। दोनों साथ में अगला मौसम नाम की फिल्म में काम कर रहे थे। उधर पंकज कपूर की भी 9 साल की शादी टूट चुकी थी। वो अपनी पहली पत्नी नीलिमा से अलग हो चुके थे। पंकज के 3 साल के बेटे शाहिद अपनी माँ नीलिमा के साथ ही रहे। तलाक के अगले साल ही पंकज और सुप्रिया की मुलाकात हुई। दोनों के जख्म हरे थे, इसलिए दोनों के बीच नज़दीकियाँ भी तुरंत बढ़ती चली गई। कुछ समय बाद सुप्रिया समझ चुकी थी कि वो पंकज के बिना एक पल भी नहीं बिता पाएंगी। शूटिंग खत्म होने के बाद पंकज अपने माता पिता से मिलने पंजाब जा रहे थे। सुप्रिया चीज़ों को आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उन्होंने पंकज से कहा कि वो लौटकर उन्हें फ़ोन ज़रूर करे। पंकज वापस मुंबई पहुंचे तो सुप्रिया को कॉल किया। दोनों समझ गए थे कि अब वक्त है रिश्ते को आगे बढ़ाने का। दोनों ने 2 साल तक एक दूसरे को डेट किया। सुप्रिया तो दूसरी शादी को लेकर पूरी तरह तैयार थी, लेकिन पंकज के मन में कुछ और ही था। पंकज नहीं चाहते थे कि वो जल्दबाजी में कोई भी फैसला करे। वो चाहते थे कि जिंदगी भर के लिए जुड़ने से पहले वो सुप्रिया को पूरी तरह से जान ले। दोनों ही अपने संस्कारों से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, इसीलिए लिव इन में रहने का भी सवाल नहीं उठा। दोनों बच्चे चाहते थे और इस बात से साफ हो गया कि उन्हें शादी करनी है। दोनों पहुंच गए अपने माता पिता से बात करने, लेकिन यहाँ भी बात नहीं बनी। पंकज के परिवार वालों ने तो सुप्रिया को झट से अपना लिया, लेकिन सुप्रिया की माँ दीना पाठक हर तरह की संभावनाएं और कहानियां सुना सुनाकर सुप्रिया को इस शादी से इनकार करवाना चाहती थी। सुप्रिया ने भी हार नहीं मानी और आखिरकार 1989 में दोनों की शादी हो गई। हालांकि वक्त के साथ दीना और पंकज के बीच भी रिश्ते सुधर गए और उन्होंने पंकज को अपना दामाद बना ही लिया। दोनों के बीच पहली शादी को लेकर बातें भी हुई, लेकिन वो बातें इनके रिश्ते के बीच कभी नहीं आई। सुप्रिया ने खुद एक इंटरव्यू में पंकज के बारे में कई राज खोले। सुप्रिया का मानना है कि सफल शादी के पीछे मूल मंत्र है कि समझदारी से काम ले। दोनों के बीच अहंकार नहीं आना चाहिए और एक दूसरे के नज़रियों को भी समझना चाहिए। पंकज और सुप्रिया दोनों मानते हैं कि शादी में संयम, विश्वास और जिम्मेदारी मायने रखती है। वक्त के साथ साथी बदलता है, इसलिए आपको भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए। सुप्रिया ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके लिए पंकज दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। वो हर रिश्ते, काम और ज़िंदगी के प्रति बहुत समर्पित हैं। 7 साल बड़े पंकज कपूर ने उन्हें उस प्यार की कभी कमी नहीं होने दी जिसकी वो हकदार थी।